खरगोन जिले के मुस्लिम समुदाय ने समाज के उत्थान के नाम पर शिक्षा और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय पहल शुरू की है। हम आपको बता दें कि शहर के अंजुमन नगर में समुदाय की वर्षों से पड़ी जमीन अपने विकास का रास्ता देख रही थी। ऐसे में जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी ने सराहनीय पहल करते हुए एक कार्यक्रम आयोजित किया है। इस दौरान समाज ने मीडिया से बताया कि वर्षों से वीरान पड़े मैदान पर तकरीबन 50 दुकानों का निर्माण होना है। वहीं शिक्षा क्षेत्र में स्कूल सहित जमात खाने का निर्माण कराएंगे। मीडिया से रूबरू सदर सिराज ठेकेदार ने समाज के विकास को लेकर यह भी बताया कि दुकान निर्माण के बाद पैसों की आवक को समाज के विकास में खर्च करके समाज को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के काम करेंगे। आयोजित कार्यक्रम में प्रसिद्ध मौलाना जमील अहमद साहब, जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन के सदर हाजी सिराजुद्दीन शेख, उस्मान मौलाना सहित कमेटी के प्रबुद्धजनों की मौजूदगी में लाखों की लागत के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये जमीन जो है हमने बहुत पूर्व 1974 से खरीदी हुई थी और समाज की तरक्की के लिए, फला बहबूदी के लिए, बच्चों की दीनी तालीम, दुनियाई तालीम के लिए आगे बढ़ाने के लिए ये प्लान था हमारा। और मुस्लिम समाज एक गरीब समाज था, तबका है, आमदनी का कोई जरिया है नहीं। इस ज़मीन के माध्यम से हमने कुछ आमदनी के कुछ सोर्स पैदा करेंगे, उसी से हम बच्चों की तालीम के लिए स्कूल कॉलेज का प्रयास करेंगे ताकि बच्चे हमारे तालीमी निज़ाम में आगे बढ़ सकें। हम प्रशासन से, शासन से इस मामले में हेल्प लेंगे, जो मदद मिलेगी हम लेंगे और हम समाज से भी इसमें मदद लेंगे और अल्लाह ने चाहा तो इसको दिन दोगुना रात चौगुना हम तरक्की पर पहुंचाएंगे। हमारा ये प्रयास बरसों से था, आज अल्लाह ने उसको पूरा किया है। मैं खरगोन शहर के सारे मुसलमान भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने दिल खोल के मेरे साथ ताउन किया, इस कार्य खैर को आगे बढ़ाने में मदद की और आगे भी मेरी मदद करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खंडवा जिले